नया दिन नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ओम पर एक सलाह की, एक सलाह के बाद विवाद शुरू हो गया है। अभिषेक मनु सिंघवी योग में ओम के उच्चारण पर एक ट्वीट कर चुके हैं, जहां पर जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने पलटवार किया। वहीं योग गुरु रामदेव ने भी इस योग को धर्म से जोड़ने की बात, धर्म से ना जोड़ने की बात कही। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। योग दिवस के दिन अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने, उनका बयान है कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। मुझे लगता है इन लोगों का दिमाग ही जो है यह संकुचित है। बराबर ऐसी बातें करना जिसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़े, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए ये ओम कोई हिंदू का नहीं है, उनको शायद ज्ञान नहीं है। अगर ये ज्ञान होता तो ये नहीं बोलते। धार्मिक चीज़ों को हम हर चीज़ में जोड़ने का काम करते हैं। योग और ओम का उच्चारण ये धर्म से अगर होता तो आज दुनिया भर के 190 देश, 90 से ज़्यादा देश जो वैज्ञानिक हैं, योग एक वैज्ञानिक पद्धति है, उसी प्रकार से ओम का उच्चारण जो ब्रह्मांड तक ले जाने का वो एक वैज्ञानिक सिद्ध प्रक्रिया है। इसलिए इस प्रकार से ओम के बारे में इस प्रकार की गलतफहमी और लोगों में भ्रम फैलाने का जो बात है, लगता है उनके संकुचित मानसिकता का यह परिचय। ओम का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं, ओम तो यूनिवर्सल साउंड है, यानी कि यह समस्त संसार जो है, प्रकृति जो है, उसका जो एक रिदम है, एक साउंड जो उच्चारण है वो है। ये बात जो है तथ्य में लिखी गई है, साइंटिफिक नॉलेज है। इसको किसी धर्म से जोड़ने की क्या जरूरत थी, वो भी एक ज्ञानी मनुष्य जैसे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। अरुण सिंह और विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जानबूझकर हिंदू मुस्लिम फसाद खड़ा करना, इसलिए ओम और अल्लाह के बीच में ये विवाद, क्या जरूरत थी इसकी? अरुण, देखिए, इसीलिए शायद पार्टी को लगा कि ये बयान या ट्वीट गलत चला गया, इसका संदेश गलत जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस के मीडिया विभाग ने अभी अभी सफाई दी है। आनंद, मैंने कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सचिव से बात की थी, उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है न्यूज़ 18 इंडिया को, जिसमें उन्होंने कहा कि योग एक पुरानी और सनातन परंपरा है, उसको किसी भी धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता, यानी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। और कांग्रेस ये जानती है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी उनके कोई नेता खड़ा करते हैं, और जो कि पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, तो अगर वो लगातार टीवी चैनल पर या अखबारों में चले तो वो पार्टी की सेहत के लिए योग डे के दिन नुकसानदायक हो सकता है। और इसीलिए पार्टी ने सफाई जारी की और कहा है कि उनका मानना है, पार्टी का यह मत है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट भी किया और ट्विटर के जरिए भी उन्होंने सफाई दी है कि शिव की परंपरा यह है, सनातन परंपरा है, इसको किसी धर्म, जाति, मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। तो कांग्रेस पार्टी समय रहते इसका डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। अभिषेक मनु सिंघवी चूंकि पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद, राज्यसभा, इसके अलावा जो है वो प्रवक्ता भी हैं, तो उनकी बात को दरकिनार करना इतना आसान नहीं होता। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से उनके बयान का खंडन तो नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर लाइन पार्टी की तरफ से क्लियर की है कि वो नहीं मानते इन सब बयानों को, कोई भी बाकी बयान हम नहीं मानते। हमारी बात जो है वो ये है कि योग एक सनातन परंपरा है और शिव के समय से सनातन परंपरा चली आ रही है, जिसको किसी धर्म, जाति, मजहब से नहीं जोड़ सकते। योग एक परंपरा ही नहीं है, योग ह्यूमन साइंस है। योग ये है, योग का अर्थ ही है जोड़ना। योग का अर्थ ही है कि आप खुद एक व्यक्ति के स्वरूप में, आपका जो ये शरीर है ये प्रकृति से कैसे जुड़ जाए और आप अपने आप से कैसे जुड़ जाए, ये साइंस है। और इसको अगर 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 पढ़े लिखे लोग नहीं समझेंगे विक्रांत, तो अबोध कैसे समझेंगे?
देखिए आनंद, इसी कारण ये विवाद इतना बड़ा भी है क्योंकि ये सोचना चाहिए कि जिस योग को लेकर के उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून जो करवाया गया उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका है। दुनिया के तमाम देशों को एक मंच पर लेकर आना और तमाम देश एक सुर में बोले कि भारत से जो आवाज़ आई है योग को लेकर के वो एकदम सही है, ये दुनिया की सेहत ठीक रखने के लिए इसे मानना ही पड़ेगा। और उसको लेकर के अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अभिषेक मनु सिंघवी बहुत ही ज्ञानी पुरुष भी हैं, बड़े वकील हैं देश के, पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और वो अगर ओम और अल्लाह से उसे जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर राजनीतिक विवाद तो खड़ा होगा ही। जैसे अभी सहयोगी अरुण भी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है, लेकिन जो बात निकली है ट्वीट के जरिए, क्योंकि लिखी हुई और बोली हुई को आप वापिस नहीं ले सकते, अगर आपकी जबान से शब्द निकल जाए या आपकी कलम से शब्द निकल जाए तो उसे वापिस लेना बहुत मुश्किल होता है। और यही कारण है, और ओम को लेकर के भी एक बड़ा विवाद है क्योंकि ओम किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ शब्द नहीं, बल्कि ओम के पीछे जो एक बड़ी वैज्ञानिक सोच है। और ये भी कई जानकार कहते हैं कि ओम का उच्चारण सही तरीके से करने से रक्तचाप और बाकी तमाम तरह की जो बीमारियां होती हैं उसमें थोड़ा फायदा भी मिलता है। तो ओम को लेकर के साइंटिफिक खोज लगातार चलती रही है, उसको लेकर के एक बड़ी सोच है लोगों की, वो किसी एक धर्म विशेष के साथ नहीं जुड़ा हुआ। और आप ये अगर ये कहा जाए कि ओम कहने से योग की शक्ति नहीं बढ़ती और अल्लाह कहने से योग की शक्ति नहीं घटती, तो कहीं ना कहीं एक मौका जरूर मिला है कि राजनीतिक विवाद खड़ा हो। और वही इस मामले में भी देखने को आ रहा है, जिस तरीके से अश्विनी चौबे का बयान आया, जिस तरीके से प्रवेश वर्मा का बयान आया, तो जाहिर बात है कि ये विवाद अभी बढ़ेगा। पर इस पर विवाद की बात ही नहीं है।